हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका गार्डनर दोस्त लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो अपने चैनल गार्डनर स्टोर पे। फ्रेंड्स, जिस प्लांट के बारे में हम आज बात करेंगे उसका जिक्र आपने बहुत सी जगह सुना होगा। जो प्लांट इस वक्त फ्रेंड्स आपके सामने रखा है ऐप जिसको आप देख सकते हैं, ये इसे कहते हैं नीम का प्लांट। जी हाँ, नीम का प्लांट जिसे आपने कई बार सुना भी होगा और देखा भी होगा कई मैदानों में या किसी के घर में, किसी की बालकनी में या किसी के टेरेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इसकी केयर के बारे में एवं इसके लाभकारी गुणों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, नीम का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें कभी कोई कीड़ा नहीं लगता। जी हाँ फ्रेंड्स, इस प्लांट पे कभी कोई कीड़ा नहीं लगता क्योंकि इसकी बहुत से औषधीय गुण होते हैं। यदि आप इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो इसे आप वेल ड्रेन सॉइल दें। जी हाँ फ्रेंड्स, वेल ड्रेन सॉइल जिसका रेशियो कुछ इस प्रकार होता है कि एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट रेत, एक पार्ट कंपोस्ट और एक पार्ट गोबर। फ्रेंड्स, इस प्लांट को पानी ज़्यादा पसंद नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में अभी मैंने पानी डाल रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इसकी मिट्टी हल्की गीली दिखेगी। फ्रेंड्स, इसकी जड़ों में पानी कभी रुके ना। आप जब इस प्लांट को लगाएं अपने टेरेस पे या बालकनी में या गार्डन में, तो ये ध्यान रहे कि इस पे कभी पानी ना रुके यदि आप इसे गमले में लगाएं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कीड़ा तो नहीं लगता ये, क्योंकि एक बहुत बड़ा खुद ही एक औषधीय पौधा होता है और किसी भी तरह के कीड़े को भी दूर अपने से भगाता है। पर इसे पानी से बहुत खतरा होता है फ्रेंड्स। पानी में ज़्यादा रह के इसकी जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं, इसकी पत्तियाँ भी गिरने लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी सनलाइट नीड के बारे में। फ्रेंड्स, जो इसको सनलाइट चाहिए होती है वह कुछ इस प्रकार चाहिए कि आप इसे या तो फुल सन में रखें, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये मेरा जो पौधा खुली छत में है, या फिर आप इसे पार्शियल शेड में किसी पेड़ के नीचे या फिर थोड़े ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में आप इसे रख सकते हैं। और जिनके घर में यह सुविधा नहीं है वह इसी जगह रखें जहाँ पर कम से कम 6 घंटे की धूप इसे मिले ही मिले। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी फर्टिलाइज़र नीड के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो इसको आप फर्टिलाइज़र दें, वैसे तो देखिए फ्रेंड्स, नीम का जो पौधा होता है वह बुरी से बुरी मिट्टी में यदि उसमें आपने पानी कम डाला है तो वह आराम से चल लेता है। जो मैं हमारे नए गार्डनर एक्सपर्ट हैं जो कि नई गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, वह इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, ये जो पौधा होता है ना, ये बहुत अच्छा पौधा होता है, इसके बहुत से औषधीय गुण भी होते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे इसे फर्टिलाइज़र नीड के बारे में। तो फ्रेंड, जब आप इसे फर्टिलाइज़र दें या खाद दें तो आप इसे महीने में एक बार खाद दें ताकि इसकी पत्तियाँ भी हरी रहें और ये बुशी भी हो जाए आपका प्लांट। जैसे कि हम इसमें हर महीने एक पार्ट गोबर या फिर एक पार्ट कंपोस्ट ज़रूर डालते हैं जिससे इसकी प्लांट की ग्रोथ बढ़ी रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो प्लांट के पीछे रखा है ये वाला प्लांट, ये कितना लंबा हो गया है। ये देखिए, इसे मैंने अपनी छत पे फ्रेंड्स शेड को बनाने के लिए रखा है। बाकी प्लांट्स भी फ्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहे हैं पर उनकी ग्रोथ अभी स्लो है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना लंबा हो गया है। ऐसे आप भी अपने बालकनी में या अपने टेरेस पे इसे रख के वहाँ की शोभा बढ़ा सकते हैं, अभी इसे कुछ पेड़ जैसा लुक दे के अपनी बालकनी की और शोभा बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने कहा इसे आप महीने में एक बार फर्टिलाइज़र दें, 30 डेज के गैप में इसे फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि इसे फर्टिलाइज़र आप जितना ज़्यादा देंगे ये इसकी जड़ें जलती हैं बहुत जल्दी फर्टिलाइज़र से। तो हो सके तो इसे नेचुरल फर्टिलाइज़र दें, जैसे कि गोबर या फिर कंपोस्ट, वो भी कंपोस्ट भी अपने किचन के पुराने बचे हुए मटेरियल जैसे कि छिलके या अन्य चीज़ों से बने हुए कंपोस्ट का ही दें। फ्रेंड, अब जो फ्रेंड्स मेरे NPK या DAP खाद यूज़ करते हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि इसके लिए आप खाद कुछ इस प्रकार रखें कि 1 लीटर पानी में, लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बता रहे हैं, 1 लीटर पानी में आप आधा चम्मच या 1 चम्मच NPK या फिर DAP मिला के इसे स्प्रे कर दें और महीने में एक बार या 15-15 दिन के गैप में इसे आप स्प्रे कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा जड़ों में भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, जड़ों में आप पानी खाद इस प्रकार दें कि जैसे आप खाद डालने वाले हैं तो उससे पहले इसकी जड़ गीली कर दें ताकि उसके पास पानी रहे। अब आप सीधे उसमें पानी डालेंगे खाद वाला या फिर खाद डालेंगे तो फ्रेंड्स ये जड़ जलने का खतरा रहता है। अब अगर इसे पानी देके करेंगे तो इसमें जड़ ज़्यादा नहीं जलेगी इस प्लांट की। फ्रेंड्स, आप बात करते हैं किसी औषधीय गुण के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत से औषधीय गुण होते हैं, जैसे कि जिनके दांत काले पड़ते हैं वह इसकी डंडी का दातून बना के कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपके प्लांट्स के लिए भी बहुत लाभदायक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट में और अन्य प्लांट में भी ये इसकी पत्तियां देख रहे हैं आप, ये सूख रही हैं। ये तो फ्रेंड्स इसकी सूखी पत्तियों को हटाए नहीं, इसको पूरी तरह सूखने दें। ये देखिए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं
इसकी फ्रेंड नीम खली बनती है, जिसे हम प्रूनिंग मल्चिंग के सॉरी मल्चिंग के दौरान अपने पौधे में डालते हैं। या आप देख सकते हैं मैंने अपने पौधे के लिए ये मल्चिंग का बनाया है, देखिए आप, ये नीम की खाद और पारिजात के पत्ते, ये दोनों मेडिसिनल होते हैं। ऐसे दोनों कीटों को दूर रखते हैं आपके पौधों से। आप इसे सुखाएं और किसी मिट्टी के पात में या फिर किसी और जगह में पत्ते सुखा के आप रख लें, और जब आप मल्चिंग करें तो आप इसे डाल दें। फ्रेंड्स इसके बहुत से गुण होते हैं और भी, जो कि आपको कहीं सर्च करने पे या फिर आप हम ही से पता लगेंगे आपको। जैसे कि इसकी जब आपके चेहरे पे या फिर कहीं पे दाग हो रहे हो या धब्बे या फिर पिंपल की जिनको शिकायत रहती है, वह इसकी पत्तियों का पेस्ट बना के उसे अपने चेहरे पे लगाएं तो उसे एकदम रिलीफ मिलता है या फिर आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और प्लीज़ अगर आपको कोई मेरी गलती लगी तो उसे कमेंट करके मुझे सुधारने का मौका दीजिए। और फ्रेंड्स एक और बात, अगर आपको किसी और प्लांट के बारे में जानना है या फिर उसके बारे में जानने की इच्छुकता है तो प्लीज़ उसे हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम उस प्लांट के बारे में आपको वीडियो बना के भेज सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।